दोस्तों, आज ऐसी रेखाओं के बारे में हम आपको बताएंगे जिन स्त्री पुरुष के हाथ में, जिन नव दंपति के हाथ में, जिन पति पत्नी के हाथ में यदि ये रेखाएं हों, तो इन रेखाओं के होने से आपस में पति पत्नी के नहीं बनती है। ऐसे स्त्री पुरुषों की आपस में प्रेम नहीं हो पाता। ऐसी कौन सी रेखाएं हैं, आइए जानते हैं। मित्रों, जो मातृ रेखाएं होती हैं हाथों पर, जिन स्त्री पुरुषों के हाथ पर मातृ रेखाओं में से कोई शाखा यदि निकल करके स्वतः ही मातृ रेखा और पितृ रेखा में जा मिले, तो ऐसी स्त्री या पुरुष एक दूसरे को बहुत प्रेम करने वाले होते हैं और एक दूसरे को चाहने वाले होते हैं, और एवं पितृ रेखा और मातृ रेखा, हथेली पर जिन स्त्री पुरुषों के पितृ रेखा और मातृ रेखा, इन पितृ मातृ रेखाओं में से आकर के यदि मिले तो पुरुष स्त्री को चाहता है और स्त्री पुरुष को प्रेम करने वाली होती है। दोस्तों, यदि दोनों मातृ रेखा और पितृ रेखा हथेली पर स्त्री पुरुषों के, यदि इन रेखाओं के मातृ और पितृ रेखा के यदि पृथक पृथक अलग अलग होने से स्त्री पुरुषों में परस्पर आपस में प्रेम नहीं रह पाता। मातृ और पितृ रेखाएं यदि आपस में मिली ना हो, जुड़ी ना हो, एक दूसरे को ना देख रही हो, तो ऐसे दाम्पत्य, ऐसे दंपति के जीवन में एक दूसरे से वैर रहता है, प्रेम नहीं रहता, और ऐसे स्त्री पुरुषों में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, विवाद होते रहते हैं। इन विवादों के कारण घर में कलह कलेश जो है हमेशा बना रहता है। दोस्तों, दोनों रेखाएं यदि परस्पर मिली हों, मातृ रेखा और पितृ रेखा यदि आपस में परस्पर मिलती हों, जिन स्त्री पुरुष के हाथ में, जिन दंपत्ति के हाथ में, और देखने में सुंदर लग रही हों, ये रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दिख रही हों, स्वच्छ हों और साफ हों, तो ऐसे दंपत्ति में बहुत अत्यंत परस्पर दोनों पति पत्नियों में बहुत ज़्यादा और अत्यंत प्रेम देखा जाता है। बहुत ही एक दूसरे का सहयोग करने वाले और एक साथ ही एक जैसी बुद्धि वाले और एक जैसे कार्य करने वाले होते हैं, इसीलिए दोनों में अगाढ़ प्रेम होता है। अत्यंत प्रेम करने वाले, एक दूसरे के साथ के बिना न चलने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। मित्रों, जो हाथ में हथेली में पाए जाने वाली जो प्रणय विवाह रेखा है, जिन स्त्री और पुरुष दंपतियों के हाथ में जो विवाह रेखा है, वो यदि आयु रेखा से जितनी पास हो, निकट हो, तो उतने ही जल्दी ऐसे व्यक्तियों का प्रेम जुड़ता है और विवाह होता है। आप समझ गए होंगे, आयु रेखा के पास में जिनकी विवाह रेखा पहुंच जाती है, ऐसे व्यक्ति बहुत प्रेमी होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का लव मैरिज भी होता है और ऐसे व्यक्ति जल्दी अपने जीवन में विवाह कर लेते हैं और बहुत ही सुखी रह पाते हैं। अधिक जानकारी के लिए, इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे इस चैनल को जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।